हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था प्रेमचंद के फटे जूते, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि पेज नंबर 62 से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचवा रहा है, पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खींचना था तो ठीक जूते पहन लेता ना, या ना खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था? शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूते ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। देखो, लेखक ये स्पष्ट करना चाहता है कि प्रेमचंद जो फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वो फ़ोटो खिंचवाना एक आडंबर का प्रतीक है। आडंबर जो अंदर के भाव हैं, वो बाह्य भाव से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं। यही इसका एक मुख्य बिंदु है कि आंतरिक भाव बाह्य भाव से मेल खाना जरूरी है। मतलब यदि हम इंसान हैं तो, क्योंकि दिखावा अगर हम कहें तो ये कुछ भी नहीं है, सो ऑफ, शोबाजी कुछ नहीं है। हमें ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी की वास्तविकता को, वास्तविक समस्याओं को, वास्तविक हमारे जीवन के आधार को हमें समझना है। क्योंकि ये व्यंग इसी बात का है कि हम लोग क्या करते हैं, हम उनको नहीं समझते हैं, या समझते हैं तो उन्हें दूसरों, मतलब क्या कहें, आडंबर का इतना ज़्यादा प्रचलन हमारे समाज में है कि हम वास्तविकता को भूलते जा रहे हैं। जीवन के वास्तविक सिद्धांतों का जो आधार है, उससे उसको हटा के कोई दूसरे आधार पर स्थापित कर रहे हैं। बताइए, ये समाज, ये घर, ये परिवार और ये लोग कितने टाइम तक अपना स्थायित्व जमा, मतलब रह पाएंगे? यदि हमें अपनी इस धरती पर अपना स्थायित्व बनाना है, तो हमें अपनी वास्तविकता को समझना पड़ेगा और वास्तविकता के आधार पर अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी, मतलब एक सोच है, एक समझ है, एक जीवन के प्रति, जो हम कहते हैं ना कि जीवन की समझ जिसे कहते हैं, वो एक इसमें आती है, आर्ट ऑफ लिविंग में आती है। तो यही ये बात प्रेमचंद के माध्यम, मतलब जो लेखक है हरिशंकर परसाई जी, जो बहुत बड़े व्यंगकार हैं, सम्राट हैं व्यंग के, वो इसी बात को हमारे समाज पे व्यंग करते हैं कि ये गलत है। तो ये प्रेमचंद, चूँकि प्रेमचंद अंदर से जो हैं वो बाहर से दिख रहे हैं, लेकिन आज एक फ़ोटो के माध्यम से लेखक उन्हें इस तरीके से बता रहा है कि उन्हें हंसना पड़ा, दिखना पड़ा, ये सब चीज़ें वो बता रहे हैं। तो वही, और फिर एक वो बात आती है जूते की, तो वो एक जूते का उदाहरण देकर हमें ये समझाना चाहते हैं कि हम लोग तो फ़ोटो के पीछे इतने दीवाने, सेल्फीज़ का ज़माना है आज, हम सब जानते हैं, ये हर बच्चा जानता है कि फ़ोटो की दीवानगी सबसे हद पे है। तो ये चीज़ जब हम, वो कहना चाह रहा है कि यदि प्रेमचंद अपना फ़ोटो खिंचवा ही रहते, अरे किसी के जूते मांग लेते, फ़ोटो ही तो खिंचवाना था, फ़ोटो में दिखावा कर लेते, किसी के मांग लेते। लेकिन वो कहते हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जो वास्तविक हैं हम, वही हमें दिखना चाहिए। और यही बात हमारे जीवन पर इसके आधार, मतलब जीवन पर ये सिद्धांत स्थापित होता है कि हम जो हैं वो हमें दिखना है। ठीक है, तो वो इसी बात को लेकर कहते हैं। वैसे वो बताते हैं इस पैराग्राफ में कि वैसे हमारे लेखक, हमारे जो सम्राट हैं, कहानी सम्राट प्रेमचंद का फ़ोटो खिंचवाने का कोई उद्देश्य नहीं रहा होगा, लेकिन पत्नी, चूँकि पत्नी होती है तो वो बार बार आग्रह करती है कि फ़ोटो खिंचवा लीजिए, ये वो फलाना ढिकाना। तो ये फ़ोटो खिंचवाने को वो एक शब्द देते हैं, वो कहते हैं ट्रेजडी, घटना है उनके जीवन की। तो ये बात वो कहते हैं धक्का मुक्का मार के, धक्का धकिया के, समझा बुझा के, लड़भड़ के, सब तरीके से प्रेमचंद को राजी किया होगा उनकी पत्नी ने फ़ोटो खिंचाने के लिए कि हम आपके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। लेकिन उनके अंदर और बाहर की जो स्थिति बनी, वो किसी ट्रेजडी से कम नहीं थी, वो किसी घटनाक्रम से कम नहीं थी। ठीक है, तो फिर वो लेखक कहता है कि
आज प्रेमचंद के जूते के बारे में जो भी आपको बता रही थी, तो वो बदल लेना चाहिए थे, लेकिन वास्तविकता तो जो है प्रेमचंद वही दिखना चाहते हैं। लेखक ये बात समझ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस भावना को, तुम्हारी इस भाव को मैं समझता हूँ और इतना ज़्यादा महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर के दुख को, क्योंकि अंदर ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद बहुत दुखी है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे समाज में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम पर्दा डाल रहे हैं, जिनको हम समाज के सामने उजागर वो कुरीतियों के रूप में, मतलब ऐसी भावनाओं के रूप में हमारे समाज में आज भी जिंदा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम प्रबुद्धवर हो या हमारे या फॉलोअर्स हो, प्रबुद्धवर को फॉलो करने वाला वो वर्ग हो, हम प्रबुद्ध वर्ग की सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनको सबके सामने लाकर, उनको हटाकर, उनको समाज में समझाकर, बुझाकर उनको हटाना है। उन पे पर्दा डालने से काम नहीं बनने वाला है। चाहे हमारा व्यक्तिगत जीवन की बात कर लो, यदि किसी भी कोई भी समस्या है और हम उस पे ध्यान नहीं दें, उन्हें उसे इग्नोर करते हैं, क्या उस समस्या का समाधान है, नहीं है, तो यही हमारी यही जो इकाई, एक परिवार एक इकाई है, और यही बात समाज पे भी लागू होती है। तो ये जो दुख है हर व्यक्ति के अंदर का, ये समाज के अंदर का दुख है, कुरीतियों का, कई तरह की समस्याओं का, इससे छिपाने से कोई मतलब नहीं है। इनको हमें उजागर करके, इनको खत्म, लोगों को जागरूक करके हमें इनको खत्म करना है। तो लेखक कहता है तुम्हारे इस अंदर के दुख को मैं समझता हूँ, और क्या करता है, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। और जो प्रेमचंद की आंखों में समाज के प्रति जो मतलब ये जो व्यंगात्मक कहते हैं, जो देखना हुआ या जो फोटो में देख रहे हैं, वो प्रेमचंद जो देख रहे हैं फोटो में, वो लेखक कहता है कि मुझे अभी कुछ कहने से रोक देता है। ठीक है, तो एक्चुअल वास्तविकता बात ये है बेटा कि हमें अपने जीवन में दिखावा पसंद नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोग भी पसंद नहीं। जब हम खुद नकारेंगे ऐसे लोगों को, ऐसे समाज को, तो लोग समझेंगे उस बात को, लोग जागरूक होंगे उस बात को, इस बात को लेके। ये जो पूरा चैप्टर है इसी बात को इंगित करता है कि हमें जीवन में क्या करना है, कैसे रहना है, क्या जरूरी है, जीवन का वास्तविक आधार क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सिखाता है ये चैप्टर, और हमें अपने जीवन की जब नींव हम डाल रहे हैं तो ये बातें हमारे नींव में, जीवन की नींव में आ जानी चाहिए। ठीक है, तब तो ये हमारा पैरा, पेज नंबर 62 का पैरा नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बेटा, टेक केयर।